लेकिन अब प्यासों को प्यास है ना फुर्सत है, इसलिए कुआं को ही क्या होगा जाकर पिलाना पड़ेगा, कुआं ही क्या होगा हो जाएगा उन प्यासों का जाएगा, और प्यास नहीं है तो प्यास जगाएगा। क्यों जगाएगा? क्योंकि बच्चे को जब भूख नहीं लगती है तो उसके मम्मी पापा खुश नहीं होते हैं कि चलो अच्छा है खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसकी भूख जगे। तो जिस चीज को जगाना चाहते हैं आप लोग, जिस जगह पहुंचना चाहते हैं, बस तो यह है कि उस जगह जाने के लिए लालसा, अभी भूख ही नहीं है यहां पर, तो पहले भूख पैदा करने की जरूरत है। अगर भूख पैदा हो जाएगी तो धूप और नूर कुछ नहीं दिखाई देगा, बस लक्ष्य दिखाई देगा। अभी भूख नहीं पैदा हुई है, बर्निंग डिजायर तीव्र जिज्ञासा जगेगी तब होगा, और वो जग रही है, वो जग रही है। इसीलिए ये जो विषय हमारा आया था सम्राट अशोककालीन संस्कृत और आम जनमानस, अगर सम्राट अशोक का आंदोलन और भगवान बुद्ध का धम्म अगर आम जनमानस के लिए नहीं होता तो आप आश्चर्य होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के समय बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन उन्होंने उस भाषाओं में क्यों नहीं अपनी धम्म देश में दिया? इसलिए दिया कि कोई विशिष्ट भाषा के रूप में हम बोलेंगे तो हमारी बात विशिष्ट लोगों तक पहुंच जाएगी। इसीलिए उन्होंने, लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी बातें पाली भाषा में बताई, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, पाली भाषा में नहीं बताई, वो उस समय की लोक भाषा में बताई। ये अलग बात है कि लोक भाषा उस समय पाली थी। अगर भगवान बुद्ध आज होते तो अंग्रेजी में नहीं बोलते, भोजपुरी में बोलते। भोजपुरी में बोलते क्यों? क्योंकि आम जनमानस तक पहुंचाने के भोजपुरी चाहिए, तो जो बात आम जनता तक पहुंचानी है वो बातें हिंदी में लिखी गई, भोजपुरी में बोली गई, और जो पूरे देश पर लागू करना था वो संविधान अंग्रेजी में लिखा गया ताकि लोगों को पता ही न चले, पता ही नहीं था अंग्रेजी में था, हम तो जान ही नहीं पाए संविधान। बड़ा अफसोस है कि जिस देश संविधान, जिस देश जो समाज चलता है उससे, मैं दावा करता हूं कि देश के 99% लोग अभी संविधान देखे ही नहीं। सम्राट अशोक क्लब की मेहरबानी है, ये मेहरबानी है कि आम जनमानस संविधान देखने लगा। लखनऊ में 3 कार्यक्रम रहता हूं होगा तो हमारे मंच पर संविधान लगा था, आज नहीं है, संविधान लगा था। एक चौरसिया जी थे, सब कार्यक्रम खत्म हुआ तो आए मंच पर, बोले ना तो आइए पहले संविधान का साथ, आपके साथ मेरा एक फोटो हो जाए। बोले किस बात के लिए? बोला कि 25 साल मुझे वकालत करते हो गए लेकिन आज तक मैंने संविधान देखा ही नहीं था। 25 साल वकालत करते हुए संविधान देखा ही नहीं था? आप बताओ, जब वकील साहब नहीं देखा तो वकील कहां से देखेगा? जब वकील नहीं देखा तो वकील कहां से देखेगा? और आज सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं ने मजबूर कर दिया इस देश के विधि मंत्री को भी, इस देश के कानून मंत्री को भी, अभी 4 दिन पहले उलाट के संविधान दिखा रहे थे, या असली वाला है? अरे हम जानते हैं, देखो दिखा रहे थे, देखिए असली वाला संविधान है। अरे हम तो जानते ही थे, आप देखो, क्योंकि हम जान गए हैं कि बहुत पढ़ लिया गीता कुरान को, अब हमें पढ़ना है संविधान को। बहुत पढ़ लिया हमने गीता कुरान को, हमें पढ़ना है संविधान को, क्योंकि गीता कुरान हमने पढ़ा तो हमारे अधिकार छीन गए। संविधान पढ़ा होता तो छीना हुआ अधिकार हमें मिल गया होता, छीना हुआ। आज मैं लोगों से पूछता हूं कि भैया आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग बोलता है कि ऊपर वाले की बस अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की बस अच्छा चल रहा है। और मैं उन्हें कैसे समझाऊं, अगर ये संविधान 12 घंटे के लाग कर दिया जाए, कल देश के राष्ट्रपति बोलते हैं कि कल से संविधान 12 घंटे काम नहीं करेगा, तो 12 घंटे में पूरा भारत तबाह हो जाएगा, हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, ट्रक मरेगा, रोड मरेगा, गाड़ी मरेगी, और इस सब लड़के तार पर हो जाएंगे और ऊपर वाला ऊपर से खड़ा होकर देखता ही रहेगा। तो ये देश ये भ्रम टूटना चाहिए आपका, या आप जो खुशहाल है, अच्छा ड्रेस पहन रहे, अच्छा पहन रहे, चश्मा लगा के चल रहे हैं, 50 साल पहले नहीं चल पाते थे, उस समय गीता रामायण का शासन था, नहीं चल पाते थे। पुरुष के मरने के बाद महिलाओं को भी मरना पड़ता था कि तेरा पति मर गई, मर गया, तू विधवा हो गई, तुझे भी मरना है। लेकिन आज पति के मरने के बाद पत्नी दूसरी शादी भी कर सकती है, ये भारतीय संविधान की देन है, वो भी खुशहाल जीवन जी सकती है, सब कुछ कर सकती है। आज एक नदी तालाब है, एक तालाब पास में चना अकेला पड़ा है तो कोई गाड़ भी नहीं है। अगर तालाब को भर के घर बनाने लगी है तो पता चलेगा कौन उसका बॉडीगार्ड है, पता चलेगा बॉडीगार्ड कौन है, पुलिस आएगी नगर निगम से, अब पकड़ के लेके चली जाएगी, बोला क्या बन रहा है,
तो आज उसका भी संरक्षक संविधान है, कोई पोखरा भर के नहीं बना सकता है। पेड़ आपने लगा दिया है तो लगाने का अधिकार तो आपका है, लेकिन काटने का अधिकार नहीं है। वो तो कहा था लगाने का अधिकार हजारों पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन नहीं काट सकते। जब काटना शुरू करेंगे उसका गार्जियन तुरंत पुलिस लेके आ जाएगा, और गार्जियन कौन है? भारत का संविधान, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। काट पहले तब काटो। तो जहाँ पेड़ पौधों चीजों तक का संरक्षण है संविधान, वहां पर हम वंदना करते हैं ऊपर वाले की, ऊपर वाला कभी आया है कभी आएगा। अपने अधिकार और कर्तव्य को जानने का प्रयास किया। कहां तुम दुखी है? क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? अगर आपको पता नहीं है, इसी भ्रम में पड़े रहेंगे। अगर भ्रम में पड़ेंगे, भगवान खुद ने कहा था कि मनुष्य की अज्ञानता है उसके दुखों का कारण है, मनुष्य की अज्ञानता ही दुखों का कारण है। जब तक अज्ञानी है आदमी दुखी रहेगा। बहुत सारे लोग आके यहाँ इधर उधर बोल रहे थे, मैं कहता हूं